अचानक नेपाल ही क्यों? बताएंगे अपन कहाँ चांद पे जा रहे लाए? नहीं, आज रहने देते हैं भाई। हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि मुझे पता है कि मैंने ऐसा ही कुछ बोला था कुछ दो ब्लॉक्स पहले, बट एक पूरी कहानी बताने से पहले थोड़ा सा माहौल बनाना जरूरी है कि नहीं है? तो कहानी की शुरुआत हुई कुछ इस तरीके से। One fine morning, I just came back home from my gym session. अचानक हेलो, सैम स्पीकिंग, who's this? उस पार से मुझे जो भी कुछ बोला गया उसका शॉर्ट एंड सिंपल समरी इज, वी आर गोना मेक अ शॉर्ट फिल्म, लुकिंग एट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वी आर गोइंग टू ऑफर यू ए लीड रोल इन दिस फिल्म। मैंने सोचा क्या बोल रहे हो लड़के, फिल्म ऑफर वो भी लीड रोल में? व्हाट इज नेपाल पहुंचते ही, काठमांडू पहुंचते ही सबसे पहला काम स्टाइलिंग। अब उनके स्टाइलिस्ट अवेलेबल थे नहीं, तो मेरा स्टाइलिंग करवाया गया यहाँ पर। Falling down, but we bounce it. Reach a high stand, ground it. Had a loser just to say I found it. Now it's not my hands, got a bounty. Wrapped up in smiles, but there's nothing like the bounty. Got a red dot and a nose for the people trying to... Shoot basically tha do din ka. Day one tha outdoor shoot aur day two tha indoor. To pehle din hum location par pahunche before sunrise. Andhera itna tha ke kuch bhi dikhai nahi de raha tha. But jaise jaise suraj bahar aata gaya, pura scene hi change ho gaya bhai. और उसके बाद बीच बीच में मेकअप होता गया और भाई आपका अपनी गेम्स दिखाते गए। भाई फिल्म स्टार्स को बहुत देखा है सेट्स पे मजे करते हुए, बट हमारे डायरेक्टर साहब भी कम नहीं थे। और शूट कौन से कैमरा सेटअप पे हुआ पता है? वो जो लाल वाला कैमरा आता है ना, उस पे। अब दूसरे दिन हुआ इंडोर शूट, उसकी भी कुछ झलकियां देख लो। स्लीपिंग कैमरा एक्शन। शूट सक्सेसफुली खत्म होने के खुशी में रखा गया था एक छोटा सा रूफटॉप बारबेक्यू पार्टी। यहां पर मौसमे हाल हुआ चाहता है एक बेहतरीन पेशकश, माय वन एंड ओनली सिस्टर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर बेबो। छत पर उधम मचाने के बाद इनका हुआ नहीं, अब बारी था घर के अंदर तोड़फोड़ करने का। After putting all our hard work, finally the project was successfully completed. तो वक्त हो गया था इंडिया वापस आने का, with all the experiences and the memories of a lifetime.
Being still, goddamn.